ऑलमोस्ट अभी हम पहुंच गए हमारे रेस्टोरेंट के बाहर। हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का वीडियो कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है। हम ऑलरेडी बेल्जियम से आ चुके हैं और अभी तक आपने मेरे बेल्जियम के व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख सकते हो। तो बार्सिलोना में अभी बहुत गर्मी है, यहाँ पे समर अभी स्टार्ट हो गया है। इंडिया में आई थिंक अभी बारिश चल रही है बट यहाँ पे समर है। और आप जैसे देख रहे हो मेरे बालकनी से, यहाँ पे कितनी भयंकर अभी धूप निकली हुई है। और रात में यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हुआ है। तो कपड़े की शॉपिंग करने का शौक सभी को होता है, मुझे भी बड़ा शौक है कपड़े की शॉपिंग करना। बट इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें पैसे कैसे बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप शॉपिंग कर रहे हो कपड़ों की और आप उसमें एक एक रुपया भी बचा रहे हो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने एक एक रुपये की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीक कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे जो स्पेनिश ब्रांड है। यूजुअली मैं अनबॉक्सिंग के वीडियो रेयरली ही बनाता नहीं हूँ मैं यूजुअली, बट आज मैंने जानबूझ के अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है आपके लिए, आपको बताने के लिए कि आप अगर आप कोई ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो तो आपको क्या टेक्निक यूज़ करना चाहिए ताकि आप बहुत पैसे उसमें बचा सकते हो। तो आज हम उन कपड़ों की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप उसमें कितने हद तक आप पैसे बचा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो दो बॉक्स है ये सुबह डिलीवर हुए हैं, काफ़ी हेवी बॉक्स है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो। तो ये जो मैंगो है ये स्पेनिश ब्रांड है, और आपको एक ब्रांड बताऊँगा ज़ारा, वो भी स्पेनिश ब्रांड है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। ये शायद इन्होंने फीडबैक फॉर्म और बिल दिया हुआ है। इसको हम निकाल के यहाँ रख देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएंगे। और एक इसमें बैग है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी हम यहाँ निकाल के रखते हैं, जगह बड़ी कम है। तो ये वाला बॉक्स हम बाद में खोलेंगे, इसमें जो चीज़ें हैं वो मेरे मॉम के लिए है तो इसको हम बाद में खोलेंगे। तो मैंने मंगाए थे कुछ जैकेट, स्वेट शर्ट, हुडीज, शर्ट और टी शर्ट्स। मैंने ऑर्डर किया था एक लेदर का जैकेट जो कि मुझे बड़ा पसंद आया था, ये वाला। अब इन सारे कपड़ों को पहनने का टाइम तो मेरे पास नहीं है, शायद मैं इसको कल या परसों ट्राई करूँगा खोल के। बट ये जो जैकेट है ये हम अभी पहन के देखते हैं इसका फिटिंग वगैरह कैसा है। तो जैकेट का लेदर है, ये है शिप लेदर, 100% शिप लेदर से ये बना हुआ है। तो क्वालिटी तो इसकी काफ़ी बढ़िया है। लेदर का जो स्मेल होता है ना काफ़ी बढ़िया होता है, ऐसा लग रहा है इसे सुनते रहो। थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, लेदर के जैकेट थोड़े छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े हो तो अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ वैसे इसकी फिटिंग काफ़ी बढ़िया है। कैसा लग रहा है दोस्तों बताओ मुझे कमेंट करके। तो ये वाले बॉक्स को भी खोल लेते हैं अभी हम। इसमें मैंने मेरे मॉम के लिए और सिस्टर्स के लिए जो हैंड बैग होता है शोल्डर बैग वो ऑर्डर किए थे। ये वाला एक है येलो, ये है रेड और ये है ऑरेंज। सारे कपड़ों के अगर मैं आपको एक्चुअल प्राइस बताऊं तो वो है करीब करीब 500 से 600 यूरो, यानी 50 से 60 हज़ार रुपये। बट मैंने इसके पे की है लेस देन हाफ। तो दोस्तों मैंने आधे पैसे पे करके ये सब बाय किया है। तो आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि स्पेन का इतना अच्छा ब्रांड ये है और आधे पैसे में कैसे मिल गया। तो इसके लिए आपको दो तीन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, वो यूज़ करके ही आप इतने पैसे अच्छे ब्रांड के कपड़ों पे बचा सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ब्रांडेड कपड़ों का कोई नई लाइन
लॉन्च हो रही है, नए कपड़े लॉन्च हो रहे हैं, आपको तुरंत जाके उसको बाय नहीं करना है। जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो या उनके स्टोर में जाते हो और उनके नए जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उनके प्राइस ओरिजिनल प्राइस होते हैं, उस पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है। और आप तुरंत जाके अगर आपको कोई कपड़े पसंद आ गए और आपने बस जाके उसको बाय कर लिए, तो आप उसकी एक्चुअल प्राइस उसको आप पे कर रहे हो, आपको आप उसमें बिल्कुल भी पैसे बचा नहीं सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि अगर आप कोई अगर कपड़े लॉन्च हुए और आपको अगर एक्चुअल में पसंद आए तो थोड़ा वेट करो। क्योंकि क्या होता है, जब कुछ महीने बाद अगर आप थोड़ा वेट करो कुछ महीने बाद, क्या होता है कि जो पुराने मॉडल है पुराने डिज़ाइन है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाते हैं, और जैसे नए नए उनके डिज़ाइन आ रहे हैं पुराने डिज़ाइन के रेट कम हो जाते हैं, उस पर काफ़ी सारे डिस्काउंट वो लगा देते हैं ताकि वो बिक जाए, और नए जो डिज़ाइन होते हैं उस पर उसके ओरिजिनल प्राइस होता है ताकि वो लोग खरीदे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप 2 से 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने आप वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र करो, और उसके बाद में आप जाके उनके वेबसाइट पे देखो, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उस पर आपको ज़रूर काफ़ी अच्छा हद तक आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ तो आईफोन सभी को पता है, और हर साल एप्पल जो होती है वो आईफोन रिलीज़ करती है। तो अभी शायद आईफोन 14 आने वाला है, तो आईफोन 14 जब लॉन्च होगा तो उसके जो पुराने मॉडल है आईफोन 13 12 11, 10 और उसके जो पुराने मॉडल है उसके प्राइस ऑटोमेटिकली घटते जाते हैं, क्योंकि लोग उसको नहीं खरीदते, लोग खरीदेंगे 14 कि भाई नया मॉडल आया चलो इसको हम खरीदेंगे। बट मेरा आपको ये बोलना है कि आपको अगर आईफोन ख़रीदना है तो आप डायरेक्टली जाके आईफोन 14 मत खरीदो, वेट करो और जो पुराने मॉडल होते हैं उसको आप बाय करो, क्योंकि उसके प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। और जो फीचर्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट वो बस थोड़ा मेमोरी बढ़ा देते हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ा देते हैं, कैमरा थोड़ा इधर उधर करके ठीक कर देते और डिज़ाइन चेंज कर देते, बाकी सारे फीचर्स सेम होते हैं। तो आपको आईफोन में भी अगर पैसे सेव करना है तो आप जब नया लॉन्च होता है तो पुराने खरीदें। दूसरी टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ पैसे सेव करने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने बहुत पैसे सेव किए पिछले 6 साल में ये टेक्निक यूज़ करके, वो है ऑफ सीज़न में बाय करना। अभी चल रहा है यहाँ पे समर में मैं बाय करता हूँ विंटर के कपड़े, और विंटर में मैं बाय करता हूँ समर के कपड़े। अब आपको ये उल्टा लगेगा कि समर में विंटर के कपड़े और विंटर में समर के कपड़े क्यों, तो दोस्तों इस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत पैसे बचा सकते हो। क्यों ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि मैं ये यूज़ करके कैसे पैसे बचाता हूँ। अब समर में क्या होता है कि लोग समर के कपड़े खरीदते हैं, विंटर के कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो समर के कपड़े पे आपको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या, जो अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि विंटर में समर में जब विंटर के कपड़े नहीं बिकते तो वो उस पर लगा देते हैं अच्छा खासा डिस्काउंट, काफ़ी बार तो ये लगा देते हैं, 80% डिस्काउंट मिलता है आपको अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़ों पे। तो आपको क्या करना है कि अभी अगर समर चल रहा है ना, तो आप क्या करो अगले विंटर के लिए अभी ही बाय करके रख लो, क्योंकि आप बहुत उसमें पैसे बचा लोगे, 80% 70% डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप उसको खरीद के रख लो और आप उसको विंटर में पहनो, कपड़े ख़राब नहीं होते, बाय करके आप उसको अच्छे तरीके से उसको स्टोरेज में रख दो, जब विंटर आएगा तब आप उसको यूज़ कर लेना, और जब विंटर आएगा तब इनके जो समर के कपड़े होते हैं उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि विंटर में कोई भी समर के कपड़े नहीं खरीदता है, बट आपको ख़रीदना है क्योंकि आप उस पर बहुत पैसे बचा सकते हो। तो आपको ये गेम खेलना है, विंटर में आपको समर के कपड़े बाय करना है और समर में आपको विंटर के बाय करना है, बट इसके लिए आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक ही ब्रांड पे अप्लीकेबल नहीं होता है, सारे जितने भी ब्रांड है ना ये सब यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको मार्केट में रहना होता है, कॉम्पिटिशन काफ़ी होती है मार्केट में, अगर एक ब्रांड ने कपड़े के प्राइस कम कर दिया ना तो बाकी जो अच्छे अच्छे ब्रांड है वो भी कम कर देते हैं। तो आपको बस मार्केट पर ध्यान रखना है कि कौन से ब्रांड आपका फेवरेट है और उस पर कब डिस्काउंट लगने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी हम सच धज के आए हैं इस बीच के पास, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो इस बीच पे हम काफ़ी बार आ चुके हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो इस बीच पे हम आई थिंक 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो आज आने का मकसद ये है कि आज हमारी ऑफिस की पार्टी होने वाली है, तो बीच पार्टी है, और आई थिंक हर क्वार्टर के बाद में, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मोस्टली सारे एम्प्लॉयज़ घर से ही काम करते हैं, तो हर एक क्वार्टर ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर बीच पे पार्टी होती है। तो आज सारे एम्प्लॉयज़ जो इस ऑफिस के हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, और मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं कि मेरे सारे टीम मेंबर को मैं मिला हूँ यहाँ पर, आज हम जाने वाले हैं पार्टी करने के लिए। और ये हमारी पार्टी हो रही है। जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है रेड फिश, तो नाम भी थोड़ा यूनिक सा है क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो रेड कलर का है, उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो थोड़ा फिश के स्टाइल में। ज़्यादा भीड़ नहीं आज,
और ये है यहाँ का ओपन जिम। अगर आपको याद होगा यहाँ भी हम आए थे और यहाँ पे मैंने वर्कआउट भी किया था। यहाँ पर ये सारे फिटनेस इंथुजियास्टिक अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें कि हम नाइट में यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एक फेस्टिवल था सांत वान बोल के, जो कि ऑलमोस्ट हमारे दिवाली फेस्टिवल जैसा ही है। तो हम रात में यहाँ पर आए थे और आपने देखा होगा यहाँ पर बिल्कुल भी बीच पर जगह नहीं थी, पर आज काफ़ी खाली खाली बीच है क्योंकि आज फ्राइडे है तो इतनी भीड़ नहीं है। तो अभी हमें स्ट्रेट चल के जाना है, उस साइड में होटल है शायद हमारा। तो जो बार्सिलोना है वो बीच के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टूरिस्ट जो आते हैं वो बीच के लिए आते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पे दिन भर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, आप देख रहे हो उस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी लंबा बीच है ये, वहाँ से लेके अगर आप देखो ना तो उस एंड तक ये बीच जाता है। तो यहाँ पर ये बंदे अभी बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं चूज़ करूँगा बार्सिलोना में रहने का, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो जापान की लाइफ है और यहाँ की लाइफ है बहुत डिफरेंस है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट अभी हम पहुँच गए हमारे रेस्टोरेंट के बाहर। Yeah. 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 Ye